हम बनाएंगे आलू साबूदाना के कबाब। ये बहुत आसानी से और जल्दी बन जाते हैं और इसे आप स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी रेसिपीज़ पहले देखने को मिले। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कप साबूदाना लिया था, जिसे हमने हाफ कप पानी में एक घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। और ये देखें कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनमें प्याज डालेंगे। प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बाद हम मूंगफली डालेंगे, जिसे हमने हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। मूंगफली हमने हाफ कप ली है। उसके बाद हमने 5 से 6 ग्रीन चिलीज ली हैं। फिर हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। अब हम अपनी स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले हमने नमक ऐड किए, उसके बाद काली मिर्च, ज़ीरा और चाट मसाला। उसके बाद हम 2 आलू को ग्रेट करेंगे। आप आलू को वैसे भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें अपने आलू ऐड करेंगे। फिर 2 चम्मच हम इसमें राइस फ्लोर डालेंगे, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अपने कबाब को स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें लेमन स्क्वीज करेंगे। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। आप इन्हें हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि सेम शेप अच्छी लगती है तो इसलिए हम बॉटल का कैप ले रहे हैं, उससे बना रहे हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। पैन में हमने ऑयल डाल दिया है, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। फ्लेम को आपने मीडियम लो रखना है, ताकि जो साबूदाना है वो अच्छी तरह से पक जाए। और ये देखिए कबाब हमारे ब्राउन हो गए हैं एक साइड से। फ्लेम को हम लो ही रहने देंगे, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए। एक तरफ से पकते हुए इन्हें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इनके साइड को चेंज करेंगे। ये ऊपर से जितने क्रिस्पी है उतने ही अंदर से सॉफ्ट होंगे।